إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ارض و سما اور مدبر کائنات ہے بعدہ بے شمار بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزمان امام انس و جان رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم علماء کرام کافی دنوں سے فیضی صاحب کوشش کر رہے تھے گوئنڈی کے علاقے میں کسی بیان کا انتظام ہو اور اتفاق ایسا ہوتا گیا کہ ٹائم دے کر بھی منسوخ کرنا پڑا اللہ کی مرضی لیکن بس دو روز پہلے مقامی جمعیت اہل حدیث کے نادم محترم فیضی صاحب کا فون گیا گوتم نگر کے حوالے سے اور بس اللہ کی مرضی کہ وقت خالی تھا تو بس زبان سے ہاں نکلا اور آج اللہ کی توفیق اور آپ کی کوششوں سے میں آپ کے بیچ حاضر ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سچ بات بولنے دلائل کی روشنی میں موضوع کی وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج ہمارا موضوع ہے علم ابھی آپ نے فضیلۃ الشیخ شاہد صاحب سے محبت رسول کے موضوع پر گران قدر باتیں آپ نے سنی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ محبتیں اسی کو میسر آتی ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے
जो अपने महबूब के बारे में जानकारी रखता है। तुम शायद मैं बोलू नहीं कर रहा होगा, इसलिए किसकी दलील है? जो आदमी जिसके बारे में जितना ज्यादा जानकार होगा उस शख्सियत का उतना ही वो चहेता होगा और उस शख्सियत को अपना वो चहेता बना रहा होगा। दलील ले लीजिए ताकि हमें इल्म की अहमियत इसका अंदर हो। ये मौजू क्यों आया? आपने सुमामा बिन उसाल का नाम सुना है रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी बाबु वफ़द बनी हनीफा, इमाम बुखारी ने यह बाब मांगा है। बनु हनीफा इनके साथ, इस वफ़द के साथ कायद बनकर जा रहे थे मक्के को कि तवाफ़ करके आएंगे खाने का वक्त, लेकिन मुसलमान नहीं थे। कौन? सुमामा बिन उसाल। ये नबी के बहुत सारे सहाबा के कातिल थे, इनकी तलवारें सहाबा के खून में लथपथ थी, लेकिन इत्तेफाक से सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक काफिला मदीने के अतराफ में निकला था। मुठभेड़ हो गई। सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना हाजिर भी। ये सुमामा बिन उसाल अमीरुल यमामा, सैयदुल यमामा, यमामा के प्रधान, यमामा के सरदार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मस्जिद नबवी के खंभों में बांध दो, लेकिन देखो सुमामा के ज़ियाफ़त में कमी न करना, मेरी ऊँटनी दूध दे रही है उसका दूध निकाल कर लो, सुमामा को पिलाओ। सुमामा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का दूध भी निकाल कर लाया जाता और पिलाया जाता ज़ियाफ़त। ये सुमामा अभी तक नबी और नबी के सहाबा के ज़बरदस्त दुश्मन, कातिल, खूनी आदमी है, इसलिए कि नबी के बारे में जानकारी ही नहीं, अखलाक़े नबवी से वाकिफ ही नहीं थे। लेकिन जब नबी का अखलाक इनके सामने आया, इनको इल्म और मारिफत हासिल हुई कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कौन, तो ज़रा देखिए आगे का वाक़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके सहाबा ने ज़ियाफ़त में कोई कमी नहीं की, रोज़ाना आप इनकी खैरियत पूछने के लिए आ रहे, फजर की नमाज पढ़ी और हाजिर हो गए। सुमामा कैफ़ हालुका या सुमामा, मा बालुका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है, कहो खैरियत है, कैसे हो सुमामा, कुछ तो अर्ज करो। सुमामा कहते हैं मैं क्या कहूँ, इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिरिन, अगर आप मारना चाहो तो मुझे कत्ल कर सकते हो कि मैं कातिल हूँ, मैं खूनी हूँ, आपके सहाबा के खून में मेरी तलवारें लथपथ है, मुजरिम हूँ। वह इन तो इन तो अला शाकिरिन, लेकिन अगर एहसान करो और मुझे छोड़ दो तो बस एहसान का बदला चुकाने वाला रहूँगा, मुझे शुक्रगुजार पाएंगे आप, एहसान फरामोश नहीं बनूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से चले। सहाबा को कहा ज़ियाफ़त में कमी नहीं होना चाहिए, नाश्ता खाना, शाम का खाना, हर चीज़ अपने वक्त पर। हमारा कैदी आजकल कैद खानों का क्या हाल है? किसी ग्वांता नामू बे के बारे में आपने जो कुछ सुना है, वो बदनाम ज़माना जे, वो अबू गरीब जिसकी बदनामी आप सुन रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने कैदियों के साथ क्या हश्र किया। लेकिन हमारे नबी का कैदी, जो आपके सहाबा का कातिल, जो एक खूनी इंसान है, जो अभी तक आपके अखलाक और किरदार से वाकिफ न था और आपका दुश्मन बना हुआ था, उसे आहिस्ता आहिस्ता इल्म हो रहा है ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने दूसरे दिन
आकर यही सवाल किया। सुमामा का जवाब यही था, चाहो तो कत्ल कर दो, चाहो तो एहसान करो और छोड़ दो, लेकिन अगर छोड़ देते हो तो एहसान करने वाला पाओगे। तीसरे दिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर यही सवाल किया, ऐ सुमामा कहो क्या हाल है, ऐ सुमामा कहो खैरियत तो सुनाओ। सुमामा फिर वही जुमला दोहराते हैं, इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिरिन, चाहो तो मार दो, मैं मुजरिम हूँ, कातिल हूँ आपके सहाबा का, और चाहो तो छोड़ दो और एहसान करने वाला मुझे पाओगे, एहसान का बदला चुकाने वाला मुझे पाओगे। तीन दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अखलाक से अच्छी तरह से मुतासिर हो गए सुमामा, ऑब्जर्व कर लिया एक एक चीज को कि ये नबी और उनके सहाबा कैसे, इल्म आ गया। नबी ने तीसरे दिन सहाबा को बुलाया और कहा अतलिकु सराहा सुमामा, छोड़ दो, लीव हिम, फ्री हिम, आजाद कर दो। छोड़ दिया, बेड़ियां खोल दी, सहाबा ने आजाद कर दिया। नबी ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा, कोई जजर तौबीख नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई डरावा नहीं, कुछ नहीं, ना इस्लाम के बारे में ज़बरदस्ती। लेकिन यही सुमामा जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार से वाकिफ हो गए, इल्म आ गया इन्हें, तीन दिन के इस मुख्तसर लम्हे में इन्होंने जो कुछ सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखा, किस कदर मुतासिर हुए। छूटने के बाद अपने बीवी बच्चों तक के पास नहीं गए, कहाँ गए, मस्जिद नबी के पास एक चश्मा था खजूर के बाग में, वहाँ गए, मुझे नहाना है, ठीक है नहा लो, उनको कपड़े वगैरह लाकर दे दिए गए। सुमामा बिन उसाल ने गुस्ल किया, कपड़े पहने, कपड़े पहन कर पाक और साफ होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में हाजिर हुई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देने हाजिर हुआ हूँ, उसे एक अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं, और इस बात की भी गवाही दे रहा हूँ कि मोहम्मद आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो फिर क्या कहा, पहले ला इल्म थे और अब इल्म आ गए, कहा आज से पहले तक, इस लम्हे से पहले तक आपके शहर मदीना से ज़्यादा नफरत मुझे किसी शहर से नहीं, लेकिन अब आपके शहर मदीना से ज़्यादा महबूब कोई शहर नहीं। आज से पहले तक दीन इस्लाम से ज़्यादा नफरत वाला कोई दीन और धर्म मेरे नज़दीक नहीं था, सबसे ज़्यादा दुश्मनी मेरी इससे थी, लेकिन अब दीन इस्लाम से ज़्यादा चहेता धर्म मेरे नज़दीक कोई और नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी से पहले तक आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात से ज़्यादा मुझे किसी से ज़्यादा नफरत नहीं थी, आपसे ज्यादा मुझे किसी और से नफरत नहीं थी, सबसे ज्यादा नफरत वाली शख्सियत और ज़ात आपकी थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा महबूब आप है। मैं आपसे पूछता हूं, सुमामा के तीवर बिल्कुल यकबे कैसे बदल गए, बताइए मेरे भाइयों, क्यों बदले? सुमामा ने अपने आप को बदल डाला, नबी के हो गए, इस्लाम के हो गए, मदीने वाले बन गए। क्यों? इसलिए कि पहले वो जाहिल थे नबी के अखलाक और किरदार से, नबी के सहाबा के अखलाक और किरदार से, और अब इल्म वाले हो, नबी और सहाबा के अखलाक को उन्होंने जो देखा, परखा, समझा, उनके होकर रहे। तो मेरे भाइयों, इल्म आज हमारे समाज, हमारे समाज और माशरे में ये लड़ाइयाँ और भिड़ाइयाँ, ये रोज़ के रगड़े और झगड़े, ये तासुब की तनावें जो तनी हुई नज़र आ रही हैं, ये हसद और बौख और नफरत में जो लोग जल रहे हैं, मेरे भाइयों जानते हैं क्यों? इसलिए कि वो आप मुवहिदों के बारे में सही जानते ही नहीं। और जिसने भी ये तौहीद और इस तौहीद के मानने वालों को जाना, इल्म हासिल की, वो उनके होकर रह गए। गौरस बिन हारिस रदी अल्लाहु अन्हु वार्दा नबी को कत्ल करने जा रहे थे। सही बुखारी किताबुल मगाजी बाबो गजवत ज़ातिर रिका, हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि गजवे ज़ातिर रिका से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हुए
तो तेज धूप की वजह से एक जगह वादी जहां कुछ पेड़ पौधे नजर आए वहां आप रुक गए, साहबा को भी रोक लिया आपने, जो कुछ खाना पीना था आप और आपके साहबा ने खाया पिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जरा सा रुको ठहरो, तेज धूप है, थोड़ा सा नमी आए कमी आए ठंडा हो जाए मामला, तब यहाँ से चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जा करके खाना पीना जो भी था खा पी कर एक पेड़ के नीचे आप आराम फरमाने लगे। साहबा भी मुख्तलिफ पेड़ पौधों के दरमियान बिखर गए, दूर दूर चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार लटकाई और आराम फरमाने लगे। क्या हुआ जानते हैं? ये रास्ता था जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, रहगुजर थी, चलते हुए उसी रास्ते से एक बदू गुजरा जिसका नाम गौरस बिन हारिस मुअर्रिखीन ने लिखा है। इसने देखा कि ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता था, लेकिन उसके कान में घोल घोल कर पिला दिया गया था, देखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बातें न सुनना, जादू उसका चल जाता है, जो उसके पास जाता है सुनता है उसका जादू उस पर चल जाता है। बच्चे बाप से अलग हो जाते, शौहर बीवी से अलग हो जाता है, भाई भाई के दरमियान दुश्मनी हो जाती है, एक मुसलमान दूसरा काफिर नजर आता है, देखो इसकी बातें नहीं सुनना वरना जादू चल जाएगा। आखिर इस लाइल्मी की वजह से उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को भी उतारा, म्यान से बाहर की। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ खड़े हो गए, उठ खड़े हुए, आपकी नींद भी खुल गई और बिल्कुल उसके बिलमुकाबिल आप खड़े। लेकिन वो सवाल कर रहा है, मन यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, वो बदू क्या कह रहा है, हु विल प्रोटेक्ट यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा बताओ। बात गौरस बिन हारिस की चल रही थी कि जब आदमी जाहिल होता है तो दुश्मन हो जाता है, और जब उसे इल्म और इदराक आ जाता है तो दोस्त बन जाता है। गौरस बिन हारिस ने तलवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठाई, नंगी किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा है, मन यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बताइए आपको आज मुझसे कौन बचाएगा, आप निहत्ते हो, तलवार तो मेरे हाथ में है, कौन बचाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पुरसकून अंदाज में कहते हैं, अल्लाह 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 मुझे बचाएगा। बाज़ रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और उसने देखा कि खौफनाक ऊंट है जो मेरी खोपड़ी अभी चबा जाएगा, और थर थर कांपने लगा, थर थर कांपने लगा, तलवार छूट कर जमीन पर गिर पड़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपको कौन बताएगा बचाएगा गौरस, आप तो अल्लाह पर ईमान ही नहीं रखते। तो उसने कहा था, आपके रहम करम की उम्मीद है। क्या जवाब दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, कहा तो सिर्फ इतना कि गौरस किसी काम से निकले थे ना, रास्ता तय कर रहे थे, इज़हब लिशानी, तो चले जाओ जिस काम के लिए आप निकले थे, देर ना हो जाए। सुभानअल्लाह, हमारे नबी का कातिल, जानी दुश्मन जो नबी को नहीं जानता था, आपके अखलाक और किरदार से वाकिफ नहीं था, वो आपका जानी दुश्मन बन गया था, लेकिन क्या कहा उसने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ किया और कहा जाओ जिस काम के लिए निकले थे। वापस पलटता है लेकिन फिर नबी की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, انت خير مني يا محمد you are better than me او محمد صلى الله عليه وسلم आप मुझसे बहुत अच्छे, आपका दुश्मन इकरार करता है और यही इल्म उसको कचोके लगाता है, गौरस तूने जिसको अपना दुश्मन बनाया वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह झूठा नहीं हो सकता है, जिसका अखलाक और किरदार इतना आली हो, जिसना बुलंद मकाम पर फाइज हो, वो झूठा कैसे हो सकता है गौरस। रास्ते भर सोचता रहा, नबी का अखलाक उसे कचोके लगाता रहा और हुआ यही कि दोबारा वो तैयारियां करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक्दस में हाजिर हुआ। हाफिज इब्न हजर ने लिखा है, सुम्म अस्लम बादु, जाकर के पहुंचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कलमा पढ़ लिया।
पहले जाहिल था, ला इल्म था आपके अखलाक से, आपके किरदार से, इस्लाम के महासिन से, और जैसे ही वाकफियत हुई, इल्म हासिल हुआ, वैसे ही वो आपका होकर रह गया। मेरे भाई, इल्म आज बहुत कोताही है हमारे माशरे में। हम और आप अपने बच्चों को मकतब पढ़ा लेते हैं और उसके बाद जाओ बाबू ओड़ा पाँव बेचो, बहुत कमाई होती है, एक रुझान बन चुका है। मुंबई में बड़ी तादाद है लोगों की, जाओ कोई ठेला पकड़ लो, किसी होटल में लग जाओ, पैसे आएंगे। होते हैं बहुत सारे माँ बाप गरीब जिनके हालात अच्छे नहीं होते, मजबूरन उनको ऐसा करना होता है। लेकिन मेरे भाइयों, देहातों का सर्वे करो तो ये आम लत लगी जा रही है लोगों को। अरे मकतब तो पढ़ लिया ना, कुरान पढ़ना जानता है, उर्दू लिखना आता है, हिंदी जबान जानता है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत पढ़ लिया है, जाओ बाबू जाओ कम अकेला। मेरे भाइयों, आप देखो आप ही के उन्हीं इलाकों के अंदर कोई दलित बिरादरी का इंसान आप पर हुकूमत कर रहा है। मैं जिस इल्म की बात करना चाहता हूँ वह इल्म इस्लाम है, इल्म दीन। लेकिन जैसा भी कुछ इल्म अगर किसी के पास है, अल्लाह की कसम बुलंदी उसे मिलेगी। लेकिन अगर वो इल्म इस्लाम रखता है तो वह दर्जे वाला इसका मुस्तहिक। कैसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, हुक्मरानी उनके हाथों में है, इसलिए कि कुछ तो उन्होंने हासिल किया, कुछ सूझबूझ वाले हैं। लेकिन हम, हमारा मामला ये है, ना तो हम दीन में एक्सपर्ट बने और ना ही ये उलूम जो इनके यहाँ है, ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैथ्स है, जोग्राफिया, ये सारी चीज़ें हमारी नस्लें इसमें भी पीछे हैं। हालांकि हमारे आबा व अजदाद उनकी तारीख पढ़िए तो इल्मे दीन और फिर इल्मे तिब, इल्मे जोग्राफिया, इल्मे साइंस, ये तमाम किन की इजादात है, हमारे आबा व अजदाद। आइए, मैं जिस इल्म की बात करना चाहता हूँ वो इल्म इस्लाम है, इल्म शरीयत है, इसलिए कि यही इल्म जिसके पास है हकीकी मानों में आलम वही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी का हुक्म सबसे पहले दिया है अमल से। अच्छा, बताने से पहले मैं पूछ लूँ, ये बताइए इल्म और अमल ये दोनों साथ साथ हैं या इनमें से कोई पहले और कोई बाद में? पहले जी, पहले इल्म पहले और फिर अमल है। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी जमातें आपको नजर आएंगी, आप देखेंगे वो अमली मैदान में तो बहुत आगे लेकिन इल्म के मैदान में बहुत पीछे। और हमारे यहाँ मामला कुछ उल्टा है, हमारे पास किसी कदर अकीदे का, तौहीद का, इन तमाम चीज़ों का इल्म है एक हद तक, लेकिन अमल में हम पीछे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इल्म ये पहले है और अमल बाद में। दलील, सबसे पहली वही जो नाजिल हुई उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना तो नमाज पढ़ने को कहा, ना रोज़ा रखने को कहा, ना हज पर जाने को कहा, ना ज़कात देने को कहा, अगर कहा तो क्या कहा। सबसे पहली वही मेरे भाइयों में हमारे मकतब के तलबा को भी याद है, सूरह आलक की 5 आयतें जिसमें अल्लाह ने फरमाया था, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله لك اقرا पढ़ो क्या पढ़ो بسم ربك توحيد کا ہے अपने रब के नाम से शुरुआत करो। इल्म जब कहा जाए तो आमतौर से उससे इल्म इस्लाम, इल्म तौहीद ही मुराद होता है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले इल्म है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को दिया, जबकि अभी अमल का कुछ कोई और हुक्म नहीं। अच्छा, एक दूसरी जगह भी, एक दूसरी आयत अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुखातब करके फरमाया, वहां भी इल्म की बात है और फिर अमल की। सूरह मोहम्मद सूरत नंबर 47 की आयत नंबर 19 है, अल्लाह फरमाता है فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ। इल्म हासिल कर लो ए नबी, आप जान लो
कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, यानी तौहीद का इल्म हासिल कर लो, वस्तग़फिर लिज़म्बिक, अल्लाह ने अमल को बाद में रखा, और फिर इस्तग़फार करो अपने लिए, वलिल्मुमिनीन वलमुमिनात, मोमिनों के लिए और मोमिना औरतों के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में भी पहले इल्म का जिक्र फरमाया और फिर इस्तग़फार यानी अमल का जिक्र फरमाया। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज़ इल्म है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, यह इल्म है जो हमें दुनिया में भी मकाम अता करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत की सुरखरुई और कामयाबी भी इसे इल्म की बदौलत हमें मिलेगी। क्योंकि जब इल्म और इदराक होगा, बसीरत होगी, हम उसकी रोशनी में अपने काम अंजाम देंगे जो अल्लाह ने हमें अहकाम दिए हैं, और जब हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलेंगे इल्म के रोशनी में, तो इंशाल्लाह आखिरत की कामयाबी भी मैसर आएगी। लोग कहते हैं, अरे कौन से आलिम हैं जिनको कोई MLA या MP का बनाया गया हो? MLA MP कौन लोग हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है कि हुकूमत हमारी नहीं है। अगर इस्लामी हुकूमतें हो, इस्लाम का बोलबाला हो, तो यही उलमाए किराम अल्लाह की कसम हकदार है कि हमारे काजी हो, हमारे जज हो, हमारे मामलों में हकम हो। क्या सऊदी अरब की हुकूमत हमारे सामने नहीं है? उलमाए सऊदी अरब दीनी मसाइल में उनके फतवों के बगैर कोई हुकूमत की ऐसी पॉलिसी आगे नहीं जाती जब तक लजना दाइमा से मशवरे ना हो। हरमैन शरीफैन के अइम्मा को वजीर का मकाम हासिल है, ये मकाम इस्लाम ने दिया है, और इसी इस्लाम ने उस जमाने में भी जब से इस वही का नुज़ूल हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया सूरह मुजादला सूरत नंबर 58 की आयत नंबर 11 में, आज भी आयत आप पढ़िए और बुलंदी के मरातिब अगर हासिल करना है तो अमल कीजिए। अल्लाह ने क्या कहा? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله تعالى درجات डिग्रियां स्टेटस बढ़ाता है, बुलंद करता है। किनके? नंबर एक ईमान वालों के, الذين آمنوا ईमान वालों के दर्जात अल्लाह ताला बढ़ाता है, बुलंद करता है। والذين اوتوا العلم और वो लोग जो अहले इल्म है उनके दर्जात अल्लाह बढ़ाता है। यानी अगर ईमान वाला बहुत बड़ा आलिम ना भी हो तो अहले ईमान होना ही उसके मकाम की पहचान है, सुभान अल्लाह। और अगर वो साहिब इल्म हो जाए, आलिम उसके साथ बन जाए, तो उसके मकाम का क्या कहना? ये आयत बता रही है। तो मेरे भाइयों, इल्म से अल्लाह ने दराजात बुलंद फरमाए हैं और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान ने वाकयात पेश किए हैं, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जब उनको बनाया, बनाने का इरादा किया, फरिश्तों से अर्ज़ किया, फरिश्तों ने थोड़ी राय भी अपनी जाहिर की, अल्लाह हम इतनी तादाद में हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी तस्बीहात पढ़ रहे हैं, क्या हम काफ़ी नहीं हैं? लेकिन अल्लाह ने कहा था कि नहीं, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने बनाया, अपने हाथों से हजरत आदम को बनाया। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 की आयत नंबर 30 से लेकर 34 पढ़िए, उसमें है कि अल्लाह ने आदम को बनाया और उसके बाद उनको कुछ नाम सिखा दिए, तालीम दे दी, इल्म अता फरमा दिया हजरत आदम को। आदम को बनाया मिट्टी से, किसे बनाया? मिट्टी से। फरिश्ते किससे बने? नूर से, रोशनी से। जिनों को अल्लाह ने आग से बनाया, आग, रोशनी और मिट्टी। आमतौर से लोग मिट्टी को हाकी समझते हैं, लेकिन क्या मकाम अल्लाह ने दिया आदम अलैहिस्सलाम को? आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूदे मलायक बना दिया, फरिश्तों झुक जाओ इनके सामने। लेकिन वजह क्या अल्लाह ने बताई, क्या रीजन रखा उनके सामने, वो देखिए कुरान में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ نے جب سکھا دیا آدم کو کچھ نام تو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں ذرا تم بتا دو, فرشتوں ذرا تم بتا دو ان کے نام. فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں نہیں معلوم. فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں تو انہی چیزوں کا علم ہے جو تو نے ہم کو بتایا ہے, اللہ یہ چیزیں ہم نہیں جانتے. لا علمی کا اظہار کیا تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. کہا ہے آدم ذرا آپ بتا دو, آپ ہی بتا دو ان کے نام. آدم نے فر فر ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے, اس لیے کہ اللہ نے سکھا دیا تھا. تو اللہ نے کہا فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں, اسے بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے, اور اسے بھی جانتا ہوں جسے تم چھپا کر رکھتے ہو. میں عالم ہوں, عالم الغیب ہوں. تو فرشتوں کو اللہ نے بعد میں جب ان پر یہ باور ہو گیا کہ آدم عالم ہے ان چیزوں کے جو ہم نہیں جانتے, تو اللہ نے کہا جھک جاؤ, سجدے کر لو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس کے بعد کی آیت ہے, اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے, سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے, ابا اس نے انکار کر دیا, اس نے انکار کر دیا, اور وہ کافروں میں سے تھا. میرے بھائیوں, آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام کہ وہ مٹی سے بنے, لیکن روشنی اور نور سے بننے والے فرشتے ان کے سامنے جھک گئے. قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ذرا بتاؤ, آدم مسجود ملائک کیوں بنے؟ اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر, اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر. اور اللہ نے باقاعدہ یہ باور کرانے کے بعد انہیں حکم دیا ہے, جیسا کہ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے, قرآن کا آرڈر بتا رہا ہے, قرآن کی پرائیورٹی بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس طرح سے ان کے سامنے باتیں رکھی. اور جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ آدم کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں, تب اللہ نے کہا جھک جاؤ, اور وہ جھک گئے. یوسف علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں, ان کے بھائیوں نے بچپن میں اتنا حسد کیا, اتنا حسد کیا ان سے کہ لے جا کر کنویں میں ڈال دیا, چلو یہاں سے کوئی پکڑ کر انہیں اٹھا لے جائے گا, اپنے دیش اپنے ملک لے کر چلا جائے گا, ہمارے ابو کو خبر بھی نہیں ہوگی, ہم لوگ ان سے پناہ پا جائیں گے, ہمارے ابو کی محبتیں ہمارے لیے خالص ہو جائیں گی. لیکن دیکھو وہی یوسف علیہ السلام, اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی, بازار مصر میں بیچے گئے, اونے پونے داموں میں ان کا سودا ہوا, لیکن وہی یوسف عزیز مصر نے خریدا, زلیخہ ان کی مربیہ بن گئی. جوان جب ہوئے تو ان کو اپنے دام فریب میں بھی پھنسانا چاہا, لیکن اللہ نے علم عطا فرما دیا, اللہ نے یوسف علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا تھا. آخر کار ان عورتوں کے مکر و فریب میں آ کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی یوسف گئے, لیکن اللہ نے اسی یوسف کو علم رؤیا عطا فرمایا, تعبیر خواب بتانے لگے. اور جیل ہی میں انہوں نے دو جیل والے جو تھے قیدی, ان کے خوابوں کی تعبیر ان کو بتا دی. اور بس رفتہ رفتہ جب بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اور اسے ضرورت پڑی کہ مجھے بھی تعبیر چاہیے, کسی نے بتانے والے نے بتا دیا کہ جیل میں فلاں نوجوان وہ تعبیر خواب بتاتا ہے, اور دیکھو میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہوا جو کچھ اس نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, ذرا جاؤ اس یوسف کو لے کر کے آؤ. شاہانہ انداز میں یوسف کو جیل کی سلاخوں سے باہر لایا گیا, بٹھا کر اچھی طرح باعزت انداز میں ان کو بادشاہ کے دربار میں ان کی حاضری ہوئی, بتایا انہوں نے. اور ایک وقت آیا وزارت اور قلمدان تقسیم ہونے لگے, تو وہیں مصر کے وزیر خزانہ اگر کوئی بنے تو قرآن نے بتایا ہے وہ یوسف تھے. سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 کی آیت نمبر 55, قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم
क्या बादशाह, ज़मीन के ख़जानों का मालिक मुझे बना सकते हो, ये वजारत इसका मैं अहल हूँ। इन्नी हफीज, इसलिए कि मैं मैनेजमेंट का अच्छा माहिर हूँ, अच्छा मुहाफिज हूँ, अलीम जानकार हूँ, इल्म है मेरे पास, हक वाले को हक दे सकता हूँ। जुल्म ज़्यादती से इस वजारत ख़जाना को बचा सकता हूँ। जैसा कि आमतौर से होता है, लोग वजारतें पाते हैं, ये कलमदान उनके हाथों में जब आता है तो बगैर इस्तेहकाक के भी ब्रदरवाद की इस वादी में इस बुत की पूजा करते हुए अपनी बिरादरी, अपना कुंबा, अपना कबीला, अपनी अपनी और अपनी की राग लोग अलापते हैं। हजरत यूसुफ ने कहा, मैं जानकार हूँ और अच्छा निगरान हूँ इसका, इसका मुस्तहिक हूँ। इससे पता चलता है कि कभी ऐसा अगर किसी को समाज और सोसाइटी में कुछ अहम ओहदे तकसीम हो रहे हों, कोई आदमी उसका मुस्तहिक अपने आप को समझ रहा है और वाकई वो एबिलिटी उसके अंदर है, उसे डर है कि ये ओहदा और ये कुर्सी फलां के पास अगर गई सिर्फ इसलिए कि वो माल वाला है, वो दौलत वाला है और फलां नखरे वाला है, वो कराबत परस्ती में मुब्तला हो जाएगा, अकरबा परस्ती उसके अंदर आ जाएगी, हक वालों का हक मारकर वो अपने खानदान वालों को देने लगेगा, वो हक वालों का हक छीन करके अपनी बिरादरी को नवाजेगा, लोग महरूम हो जाएंगे जो हक वाले हैं। तो चलो मैं अपना नाम रखता हूँ, रख सकता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपना नाम रखा, लेकिन अलीम उसे जानकार होना चाहिए। मेरे भाइयों, इल्म ने लोगों को मकाम अता फरमाया, कुएं में फेंके जाने वाले यूसुफ को अल्लाह ने वजारत अता फरमाई, बाजार में बिकने वाले यूसुफ को अल्लाह ने वजारत और इस तरह के बड़े ओहदे दिए। क्या आज हम इस्लाम का इल्म हासिल करके अपना हक नहीं ले सकते? मिलेगा। आजकल कहा जाता है ना कि तासुब, हुकूमत बड़े तासुब से काम ले रही है, यकीनन, लेकिन मेरा कहना है आओ आओ अपने इल्म के जौहर, अपनी बसीरत के जौहर, उसकी लौ इतनी बढ़ा दो, उसकी रोशनी इस कदर फैला दो कि इनके तासुब की चिंगारियां उससे बुझ जाए। आओ उस कंपटीशन में हिस्सा लो, लेकिन इल्म के हथियार की बुनियाद पर, इल्म से लैस होकर अल्लाह की कसम इनके तासुब की चिंगारियां बुझ जाएंगी। जरा अपने इल्म की लौ तो बढ़ाओ, लेकिन हम यही राग अलाप रहे हैं, तासुब 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 और इल्म में पीछे। अल्लाह ताला यहां भी नवाजेगा और इंशाअल्लाह वहां भी। आओ ये अज़्म करके उठो, ये इल्म जिसकी फजीलतें इस्लाम ने बयान फरमाई है, जिसके हुसूल की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को रग़बत दिलाई है, उस इल्म से अपने आप को लैस करेंगे। एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम सीरत निगारों ने हिस्कील बताया है, कुरान में उनका नाम तो मेंशन नहीं है लेकिन उनकी उम्मत का नाम उसका जिक्र मौजूद है। तालूत का नाम सुना है आप लोगों ने? हिस्कील जब आए तो बेचारे आम से इंसान, उनकी कौम ने डिमांड कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक कोई बादशाह ना मांग करके लाओ, हमें किसी बादशाह की ज़रूरत है। और ये कहीं नहीं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 247 पढ़िए, अल्लाह ने वहाँ इसका जिक्र फरमाया। وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। और याद करो जब उनके नबी ने उनसे कहा था कि ठीक है तुमने बादशाह मांगा ना, देखो अल्लाह ने तालूत को बादशाह बनाकर भेज दिया है, ये तालूत तुम्हारे बादशाह हैं, चलो मैं नबी हूं, ये बादशाह हैं, अब इनके साथ तो रहो, तुम्हारी मांग पूरी हो गई। लेकिन होता है ना कुछ कौम के जागीरदार साहूकार माल और जायदाद प्रॉपर्टी वाले लोग, अरे हमारे होते हुए ये बादशाह थे, इसको असल में उनकी तमन्ना ये थी कि बादशाह तब मांगेंगे तो हो सकता है हम में से किसी को ये बना दें बादशाह के, ठीक है ये तुम्हारे बादशाह, और हमारे खानदान और कबीले में बादशाह आएगी उसके बाद मनमानी करेंगे, जैसा चाहेंगे उनको फोल्ड कर लेंगे। अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह बनाया, लेकिन वो तालूत न बहुत ज़्यादा मालदार थे, न बहुत ज़्यादा धनी थे, न कोई और बात थी, तो उन्होंने एतराज़ कर लिया, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, हमारे बादशाह ये कैसे होंगे, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना वलम युत सअतन मिनल माल,
इनके पास ना गाड़ी ना घोड़ा ना बंगलो ना फ्लैट ना कोई और चीज, ये कैसे हमारे बादशाह हो सकते हैं? उनका तसव्वुर ये था कि हम में जो मालदार लोग हैं इन्हीं में से किसी को चुना जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको बादशाह हमने क्यों बनाया? इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म। इसकी ने सुनाया अल्लाह ने तालूत ही को बादशाह क्यों चुना, हालांकि गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर कंपनी फैक्ट्री बंगलो फ्लैट ये सारी चीजें नहीं उनके पास, वो कोई बड़े इंसान नहीं है मालो जायदाद प्रॉपर्टी के एतबार से, लेकिन बादशाह इन्हीं को क्यों मिली? व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेफरेंस, तरजीह इन्हीं को हासिल है क्यों? वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने तुमसे ज्यादा इल्म दिया है इनको और अल्लाह ने अच्छा बॉडी बिल्डर भी इनको बनाया है। आओ, है कोई पंजा लड़ाने वाला इनसे? आ जाओ, है कोई इनके सामने? अल्लाह ने ताकत दी है इनको और अल्लाह ने इल्मी सलाहियत भी अता फरमाई है, इन दोनों की बुनियाद पर अल्लाह ने इनको बादशाह बना दिया। तो मेरे भाइयों, अगर इल्म हो तो अल्लाह ताला यहाँ भी कुर्सी और मनसब देगा, लेकिन इसी कुर्सी और मनसब के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें इसलिए हासिल करना है ये इल्म ताकि ये हमारे लिए नफा बख्श हो दीनी और दुनियावी एतबार से, आखिरत के एतबार से और हमारे कुंबा कबीला खानदान समाज और सोसाइटी वालों के लिए। इसलिए कि इल्म की तारीफ यही की है उलमाए किराम और स्कॉलर्स ने, अल इल्म मा नफा वलैस अल इल्म मा हुफिज, इल्म वो नहीं है जिसको याद कर करके रट रट के अजबर कर लिया जाए, इल्म तो दरअसल वो है जिससे फ़ायदा उठाया जाए, हकीकत में इल्म वो है जो फायदेमंद हो। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि जो चीजें मरने के बाद काम आने वाली है उनमें से एक है अल इल्म, अल इल्म नाफ़ और इल्म युंतफ़ा बिह, वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, सिर्फ इल्म और नॉलेज नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इल्म खालिस नीयत के साथ हासिल करना है, लेकिन आप देखेंगे अगर हमारी नीयतें खालिस हैं अल्लाह ताला आपको यहाँ भी मर्तबे अता फरमाएगा और इंशाल्लाह इसकी बुनियाद पर अगर हमारे आमाल दीन के दायरे में रहे, हमने अल्लाह के और रसूल के अहकामात पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो इंशाल्लाह आखिरत की सुरखरुई भी अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको आखिरत में जन्नत से नवाजे। यही इल्म, इसी इल्म ने मक्के में एक गुलाम को अमीर मदीना बना दिया। गुलाम, आप जानते हैं उस ज़माने में गुलामों को ख़रीदा और बेचा जाता था। सही मुस्लिम की रिवायत है 817 नंबर की हदीस किताबुस्सलातिल्मुसाफिरीन के अंदर इमाम मुस्लिम ने दर्ज फरमाया है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में नाफे बिन हारिस मक्के के गवर्नर बनाए गए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़रूरत पड़ी कुछ मीटिंग की, तो नाफे बिन हारिस को पैगाम भेजा कि देखो मैं चलता हुआ दौरे करता हुआ आ रहा हूँ, मकाम आसफान में रहूँगा और आप आकर वहाँ मुझसे मिलना, मक्के से चल कर आओ मकाम आसफान में मुझसे मिलना, मैं मदीने से आ रहा हूँ। नाफे बिन हारिस ने वहाँ से निकलते हुए मक्का में अपना जानशीन अमीर इब्ने अब्ज़ा को बनाया। इब्ने अब्ज़ा निकले, आकर मकाम आसफान पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। तो अमीर मोमिनीन ने एक सवाल ये किया कि अपने पीछे अमीर किसे बना कर आए, मक्का का अमीर इस वक्त कौन है? कहा इब्ने अब्ज़ा। कौन है इब्ने अब्ज़ा? तो उनका जवाब था मौलम मिन मवालीना, हमारे गुलामों में से गुलाम है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीवर चढ़ने लगे, एक गुलाम को तुम मक्का का अमीर बना कर आए? गुलाम, इसलिए कि इंसानों की साइकोलॉजी होती है कि भाई कोई आज़ाद, आज़ाद लोगों की बस्ती में आज़ाद कोई अमीर उनका हो तो वो मानेंगे, कोई गुलाम उसको अमीर बना दोगे कैसे मानेंगे? बोलो, चौधरी लोग जाएंगे फला और फला आदिवासी के पास, ऐसी ज़हनियत होती है लोगों की। उमर बिन ख़त्ताब को ये बात खटकने लगी रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा कि गुलाम को आपने बना दिया हमें, लेकिन जवाब था नाफे बिन हारिस का जिसने अमीर मोमिनीन को खामोश कर दिया और आगे अगर उन्होंने कोई जुमला बोला तो सराहा तारीफ की। क्या कहा? कहा इब्ने अब्ज़ा इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फ़राइद,
वो अल्लाह की किताब का अच्छा कारी है इब्ने अफ़ज़ा। और इतना ही नहीं, अमीरुल मोमिनीन वो फ़राइज़ इल्मे मीरास का बहुत बड़ा माहिर, अच्छा मैथमेटिशियन है। इल्मे फ़राइज़ जानते हैं आप लोग? अब्बू का इंतकाल हो गया, चार बेटे दो बेटियां और एक बीवी, किसको कितना मिलेगा, हिस्सा कितना आएगा, बेटों को कितना, बेटी को कितना, और उनकी वाइफ को जो मर गए उनकी वाइफ को कितना। इस इल्म का नाम है इल्मे मीरास और इल्मे फ़राइज, जिसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। नाफ़े बिन हारिस ने कहा कि वो इल्मे फ़राइज का बहुत बड़ा माहिर है, यानी अच्छा मैथमेटिशियन है। मतलब ये है कि अगर वो मैथमेटिक्स जानता है अच्छी तरह, फ़राइज का माहिर है, लोगों के मामलात सुलझा सकता है, तो वो उनकी इमारत का हकदार है, ताकि वो उनके मुकदमात को अच्छी तरह सुनकर उनके फैसले कर सके। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया था कि अल्लाह ताला इसी किताब के ज़रिए कुछ लोगों को ऊपर उठाता है और इसी के ज़रिए से कुछ लोगों को गिरा भी देता है, असफलुस्साफिलीन में चले जाते हैं वो लोग जो अमल करते हैं, इस किताब पर पढ़ते हैं और उसके अहकामात पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाता है। उसी ने इब्ने अफ़ज़ा को अमीर मक्का बना दिया है। और वो लोग जो पढ़ते तो हैं लेकिन उसके अहकामात पर अमल नहीं करते, अल्लाह ताला उनको तहतुस सरा में ढकेल लेता है। उमर बिन खत्ताब ने कहा खामोशी रखें और मुतमईन हो गए कि अच्छा हुआ तुमने एक आलिम को मक्का का अमीर बनाया। तो मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है कि अपनी नस्लों को हम इल्मे दीन सिखाएं। अल्लाह की कसम, यह इल्मे दीन अगर है तो काबिल रश्क है ये, इसलिए कि ये मुस्तकबिल के कायद है, मुस्तकबिल के लीडर है, इस कौम की रहबरी करने वाले हैं, अगर ये इल्म है इनके अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताब अल इल्म की रवायत है 73 नंबर की हदीस, ला हसद इल्ला फिस्नतैन, दो ही चीज़ों में हसद कर सकता है आदमी, आगे बढ़ने की कोशिश। लेकिन आम तौर से शारी ने हदीस ने कहा यह हसद गिबता और रश्क के माने में, ठीक है। दो चीज़ें क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको बतौर खास जिक्र फिर फरमाया है किताबुल इल्म के अंदर, इमाम बुखारी ने दर्ज किया, दो चीज़ें अगर किसी के पास है काबिल रश्क है वो। नंबर एक, माल वाला, रजुल आताहुल्लाहु मालन फसल्लित अला हलकतिहि फिल हक, अल्लाह ने प्रॉपर्टी दी, वक्त का उस्मान गनी बन गया, अल्लाह ने जायदाद दी, बिजनेसमैन हुआ, वक्त का अब्दुर्रहमान बिन औफ बन गया रज़ियल्लाहु अन्हु, और बस अल्लाह की राह में खर्च करने लगा, मुसल्लत हो गया इस माल पर, मस्जिद में दे रहा है, मदरसे बनवा रहा है, उलमाए किराम की तनख्वाहें पे कर रहा है, गरीब बच्चों की फीसें जा करके स्कूलों में दे रहा है, उनके बस्ते, उनकी किताबें, उनके यूनिफॉर्म, उनकी दूसरी ज़रूरियात को पूरी कर रहा है, यतीमों और बेवाओं पर खर्च कर रहा है जहाँ ज़रूरत होती है, सोसाइटी के लिए अपने दिल को खोल दिया है उसने, और अपनी प्रॉपर्टी और तिजोरी को भी, वो काबिल रश्क है। ऐसे आदमी को देखकर हमें कहना चाहिए ऐ काश उस जैसा माल हमें अता होता तो मैं भी अल्लाह की राह में इसी तरह खर्च करता। नंबर दो, वरजुलुन आताहुल्लाहुल हिकमत फहुवा यक़्ज़ी बिहा व युअल्लिमुहा, दूसरा आदमी जो काबिल रश्क है, थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं आप लोग, ठीक है, संभाल कर कहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, खान पान का मामला थोड़ा सा रुक जाइए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपसे कह रहा था, देखिए कभी भी आप लोग ख्याल रखें, जब मुकर्रर बैठा हो आपसे कुछ मुखातब हो तो आप सामाईन को किसी और चीज़ में अल्लाह के वास्ते ना लगें, आदमी का जहन बढ़ जाता है। कभी भी ऐसा प्रोग्राम करें तो इसका ख्याल रखा करें। मैं आपसे कह रहा था, दूसरा आदमी वो है जो इल्म वाला हो, अल्लाह ने जिसको इल्म और हिकमत अता फरमाई, जिससे वो लोगों के मामलात में फैसले कर रहा है, वही अल्लिमुहा, दूसरों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तालीम दे रहा है, एक नस्ल की तरबियत कर रहा है, तो ऐसे पर भी हमें रश करना चाहिए, अल्लाह काश वैसा इल्म अता होता, मैं भी लोगों के फैसले चुकाता और बसीरत की रोशनी में अल्लाह मैं भी लोगों को तालीम देता, नई नस्ल की तरबियत करता, ऐसा आदमी काबिल रश्क है। बल्कि मुझे कहने दीजिए, मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मामला 10 बजे के अंदर का है। एक बात और कर दूँ, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है? मेरे भाई आपसे अगर ये सवाल हो
दुनिया में सबसे अच्छा बेहतरीन इंसान आइडेंटिफाई कीजिए कौन हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत करीब तरीन आपका जवाब है। नाम क्या है आपका? बशीर। बशीर भाई, अल्लाह ताला आपको इसी रास्ते पर चलाए आखिरी दम तक। मैं इसी को दूसरे लफ्जों में बता रहा हूँ आपको, जो भाई ने कहा है। सबसे बेहतरीन कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। द बेस्ट अमंग यू इज द वन हु लर्न द कुरआन एंड टीच इट अदर्स। तुम में सबसे बेहतरीन, खैरुकुम इसमें तफ़सील का सीगा है, तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान को सीखे, दूसरों को भी सिखाए। क्या मतलब? कुरान पढ़ना आपको आ गया, कुरान दूसरों को आपने पढ़ा दिया और बस? नहीं, तकाजे उसके, वरना कितने मुस्तशरकीन हैं जो कुरान रीड करते हैं, पढ़ते हैं।